अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, वो जो देखिए, मैं दबे शब्दों में बात करूँगा हालात को देखते हुए। वो जो मस्जिद का इशू हुआ था, कुछ लोग उस पर चढ़ गए थे वगैरह वगैरह, आप समझ जाओ कहाँ की बात कर रहा हूँ। देखिए, काफ़ी लोग मुझे मेरे किसी पोस्ट के कमेंट पे कहते हैं, काफ़ी लोगों ने ऐसे बात भी किया है, अरे भाई आप बोलते क्यों नहीं वगैरह वगैरह, आप थोड़ा बोलो उसके ऊपर। देखिए, साफ शब्दों में अगर मैं बोलूं, मेरे अंदाज में, तो जो लोग ऊपर चढ़े थे वो नपुंसक माँ इधर उधर मुंह मारती है तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। बस इस एक सेंटेंस में बात बोल दिया मैंने, समझे क्या? बाकी वो कौन है क्या है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझे क्या? लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के हालात में हमको बहुत सोच समझ के चलना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। जहाँ तक उस जगह की बात है, तो जिसने भी उस सिटी का नाम लिया और उस स्ट्रक्चर की बात किया, तो सीधा वहाँ से दावत आती है, आइए आप माहौल ख़राब कर रहे हो। मैं ऐसे तीन लोगों को जानता हूँ, एक मीरा रोड का है, एक थाना का है और एक अपना इधर भिंडी बाजार का जिधर का। तो तीनों का फ़ोन आया मेरे को, भाई हमको बुलाए हमने तो खाली ऐसा लिखा था, ऐसा बोला था, समझे क्या? आप बेचारे पता नहीं वकील लेके कोल्हापुर कहाँ तो भी जा रहे हैं अभी, तो कैसा है कोल्हापुर शोलापुर जोधपुर मध्य प्रदेश पता नहीं किधर जा रहे हैं, आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कैसा है कि हालात को बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, और वहाँ जाकर शेकीखोर करना कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि एक छोटी सी बात एक इंसान की गलती के वजह से पूरा शहर कैसे जला है, पूरा स्टेट कैसे जला है। मैं बात कर रहा हूँ 1992-93 की। उस जमाने में सामना में बहुत आता था, सामना पत्र जो है शिवसेना का, बाला साहेब का वो सामना पत्र था, तो उसमें जो लेखक है वो बहुत लिखते थे आड़े टेढ़े मुसलमानों के बारे में। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी तो सब भाई भाई है, तो बहुत लिखा करते थे क्या ऐसा है ऐसा है, मतलब मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए, हिंदुओं को ये वो फलाने ढमाका वो सब। तो एक दो चार लड़के जो है डोंगरी के, बहुत उस जमाने की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तहश में आ गए, और तहश में आके वो लड़कों ने 6 दिसंबर 1992 को वो लड़के जो है, कुछ दो तीन माथाड़ी काम करने वाले थे, उनका कत्ल कर देते, ठीक है, कत्ल कर देते थे। एक सेकेंड, आई विल कॉल यू बैक इन फ्यू मिनट्स। हेलो, आई विल कॉल यू बैक इन फ्यू मिनट्स। समझे भाई, पूरे स्टेट में दंगा हो गया। दो टपोरी लड़कों की वजह से, उन दो लड़कों का नाम था फिरोज कोकनी अंडरवर्ल्ड का और एक साजिद बाटली वाला, ये दोनों लड़कों ने गलत हरकत करे और मैटर बढ़ गया। कितने लोग मर गए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। एक माँ माँ होती है, हिंदू माँ के लिए उसका लाल उसका औलाद उतना ही बड़ा होता है, उतना ही प्यारा होता है जितना एक मुसलमान का होता है। लेकिन दो लड़कों की बेवकूफ़ी और गलत हरकत कितना बढ़ गया बात। तो मैं कैसा है, मैं आग बुझाने वाले में से हूँ, मैं आग लगाने वालों में से नहीं, आप समझ गए, मैं आग लगाने वालों में से नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि ये जो हिंदू मुसलमान की जो आग लगी हुई है अपने देश में, ये बुझे,
और जिस तरह हम पहले रहते थे वैसा रहे। अब कोई हराम का पिल्ला चार आदमी भेज के ऊपर चढ़ा रहा है और वो तुड़वा रहा है और करवा रहा है। अब वो जो भी है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और पुलिस बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है पुलिस। तो कैसा है, मैं इसीलिए वीडियोस ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि ज़बान है, ज़बान में हड्डी नहीं। कभी अपन साला कुछ मुँह से अपने निकल जाए गलत, कुछ बयान अनइंटेंशनल बिना किसी को ठेस पहुँचाए, लेकिन किसी को ठेस पहुँच जाए, कुछ बात हो जाए, कुछ मसले बढ़ जाए, कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, यू नो बुरा वक्त बोल के नहीं आता है। कभी कभी बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा हूँ, छोटा सा कुछ बयान दे दिया, वो बोल रहे थे कुछ, सामने वाले ने बना दिया कुछ। अभी तो ऐसा है कि अभी नांदेड़ में देखो, नांदेड़ में मोटरसाइकिल पे दो चार लड़के इधर से जा रहे थे, दो चार लड़के उधर से जा रहे थे। अब वो कटिंग वटिंग के अंदर मुँह मारी हो गई, उसके बाद में धनाधन मारामारी हो गई आपस में, छः आठ लड़के उधर, छः आठ लड़के इधर। इधर से लड़का चिल्लाने लगा, हिंदू को मारा, वहाँ से वो भी शुरू हो गया, मारामारी। कटिंग के ऊपर बात थी, कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी। क्या हुआ, इसको ऐसा रूप दे के वायरल कर रहे आईटी सेल वाले, ऐसा वायरल कर रहे कि देखो हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये हो रहा है, गलत हो रहा है। तो कैसा है आज की तारीख में, चाहे मैं तो दूसरों को भी एडवाइस करूँगा, थोड़ा सोच समझ के बात करो, इंटरनेट पे ज़्यादा हीरो मत बनो, ठीक है। अगर कहीं गलत कुछ बोल दिए तो फिर उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, तो अवॉइड करो। अपन आग बुझाने वालों में से और आग तेल डालने वाले लोग नहीं है, तो इसीलिए अवॉइड करता हूँ मैं। अरे बहुत सारे लोग बोल रहे, अरे भाई कुछ बोलो, क्या बोलो ये। वो जो नपुंसक लोग जो जाके हरकत करे गरीबों के और बूढ़ा बूढ़ियों के घर में घुस के तोड़ फोड़ करे, वो नपुंसक है साले। उनके माँ बाप ने ऐसी कुत्ते बिल्ली कैसा रास्ते पे ठोक ठाक के छोड़ देते, बस वो ठोक ठाक के छोड़ दिया है, अभी वो घूम रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। और एक बात बता दूँ, दंगे करने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनका असली कोई धर्म नहीं होता। दंगाई कभी भी कोई धर्म का नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि कोई धर्म नहीं सिखाता कि हम लोग जाए किसी की घर जलाए या लड़ाई झगड़े करें या मारामारी करें, समझे ना। ये सब अनपढ़ गवार। देखो गए इलेक्शन में हिंदू पब्लिक ने बता दिया कि वो समझदार है, समझे ना, वो समझदार है, उन्हें किधर वोट करना है, क्या करना है, ठीक है ना, समझे ना। तो अवॉइड करो ये, जैसे मैंने आपको बताया 6 दिसंबर को ये सब हो गया, ऐसे 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 पूरा स्टेट जला हमारा, कितने गरीब हिंदू बच्चे, हिंदू मुसलमान बच्चे, कितने लोग मर गए आपस में लड़ लड़ा के, यू नो। तो हमको चाहिए कि हम अवॉइड करें ऐसी सब टॉपिकों पे। इंटरनेट पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठ के सिर्फ एक पोस्ट डालना है, हो गया काम, दे शुरू झगड़े, तो उसमें मुसलमान भी जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को अवॉइड करने का ये सब चीज़ें। अभी नया कानून निकाल रहा है वो, कौन तो भी है वो, उधर पता नहीं उसकी शक्ल, ना औरत दिखता है ना मर्द दिखता है, समझ में नहीं आता है कि भाई अभी हर दुकान के ऊपर वो बाहर अपने दुकान के मालिक का नाम लिखो, कि आरिफ है, कि सलीम है, कि सुलेमान है, कि गणपत है, कि जाधव है, कि यादव, ताकि आप उसी दुकान से खरीदो। अभी एक बात बताऊं मैं आपको, जो फ्रूट होता है, फ्रूट तुम ले रहे हो हिंदू की दुकान से, जाधव की दुकान से, यादव की दुकान से, सिंह की दुकान से ले रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, वो जो फ्रूट आया है, फ्रूट डिलीवरी करने वाला एक कोई मुसलमान ड्राइवर होगा, उसको खाद पानी देने वाला कोई मुसलमान होगा, हाँ, उसको पौधा लगाने वाला शायद कोई मुसलमान होगा, उसको कैसे, यानी कि ये सब बहुत ही, हमारा देश इतनी गंदी दिशा में जा रहे हैं कि क्या बोलो। और पब्लिक हो गई है ब्रेन वॉश। पब्लिक को चाहिए समझे, सोचे और उस तरह अपनी, ये क्या है, हिंदू की दुकान, मुसलमान की दुकान, ये दुकान, वो दुकान। हमारे बदन में जो खून है, मेरे बदन में जो खून है, वो लाल है,
ये नेगेटिव पॉजिटिव मैंने तो कभी सुन देखा नहीं, टेस्ट नहीं कराया मेरा कौन सा है पॉजिटिव है नेगेटिव है। अपन तो वैसे नेगेटिव ही लोग हैं, तो नेगेटिव ही होगा अपना, पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब टेढ़े टेढ़े लोगों के लिए अपन नेगेटिव है। तो कैसा है मालूम है कि जब अल्लाह ने भगवान ने तुम्हारे और हमारे बीच में ये ब्लड ग्रुप सेम रखा है, एक हिंदू का भी ए पॉजिटिव हो सकता है ए नेगेटिव हो सकता है, एक मुस्लिम का भी ए नेगेटिव, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की खून दे के जान बचा सकते हैं। जब अल्लाह या भगवान या जीसस ने अपना अलग नहीं किया खून बनाने में, तो फिर हम लोग कौन है ये सब करने वाले? ये सब नेतागिरी है, ये सब पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल का सिस्टम चल रहा है। हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ, हिंदू आदमी अपनी वोट बढ़ाएगा। देखो मैं देखा धर्म की रक्षा किया ना मैंने, अब मैं फेसबुक पे देखता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ धर्म हिंदू सोया है, हिंदू सोया है, हिंदू जाग जाओ, हिंदू जाग जाओ। अरे क्या जाग जाओ, कितना बेचारा घूम तो रहा है, टैक्सी चला रहा है, हाथ गाड़ी खींच रहा है, मंत्रालय में काम कर रहा है का, अरे जाग तो रहा है, सब सुबह उठ तो जाता है, सब हिंदू उठ तो जाते हैं, सो कौन रहा है? जाग जाओ जाग जाओ। अरे खाए क्या जाग जाओ, बेचारा जो आम एक हिंदू है वो जागा हुआ है और अपने परिवार का और अपना पेट पालने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, चाहे वो ऑफिस में हो या टैक्सी में हो या कुछ भी करना हो या टिफिन डब्बा बनाना हो, बेचारा मेहनत कर रहा है, बस जाग जाओ जाग जाओ। अरे काय को जाग, जागा तो हूँ चूतिया, अभी कितना जागूं मैं, समझ रहा, तो बस जाग, हिंदू सोया है, हिंदू सोया है, धर्म खतरे में, धर्म खतरे में। अरे क्या कहाँ से लाते हैं ये लोग ये डायलॉग, धर्म खतरे में, धर्म खतरे में। अरे सारा पारसी कम्युनिटी सबसे छोटी कम्युनिटी 90,000 लोग है, वो लोग खतरे में नहीं है, अब हिंदू 120 करोड़ वो खतरे में आ गए। क्या यार मेजॉरिटी माइनॉरिटी कुछ समझ में आता है कि नहीं, नंबर कितने बड़े, सरकार इनकी, पुलिस इनकी, जज इनका, सब इनका, अरे फिर डर किस बात का? सारा डर तो हम लोग को होना चाहिए, क्या हम लोग इतने से भाई कोई हमको पकड़ के बोले बोल बोल जय श्री राम बोल, हाँ हम लोग को डर। कहा तुमने सुने देखे कभी, कभी सुने कभी देखे चार मुसलमान हिंदू को पकड़ के बोल रहे बोल जय श्री बोल अल्लाह अकबर बोल अल्लाह अकबर, काय को भाई? ये सब गलत बात है, ये सब राजनीति है। मैं मेरे हिंदू भाइयों से मेरे मुसलमान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, राम जी के वास्ते, शिवा भगवान के वास्ते, अरे मेरे भाइयों अपना दिमाग वापरो, तुमको हिंदू नहीं बुद्धू बनाया जा रहा है, बस तुमको भड़काया जा रहा है, धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में, क्या खतरा है, क्या कौन मार रहा है हिंदू लोग को? सारा तुम लोग इतने सारे, हम लोग इतने से, कहा मारा मारी कर क्या यार? थोड़ा लॉजिक आप लोग भी वापरो, ये सब भड़कावे में आओ मत, ये साले नेता लोग हराम खोर, ये सब साले तुम्हारे वोट के ऊपर तुमको भड़का भड़का के खराब कर रहे हैं, ठीक है? हाँ दुआ में याद रखो, या अल्लाह मेरे हिंदू और मुसलमान भाइयों को एक रखना और इस देश की जो शांति और पीस है उसे बनाए रखना, ये मेरी अक्सर नमाजों में भी दुआ रहती है, ठीक है? लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद जय महाराष्ट्र।